हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेर सिंह। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर OTA गया के अंदर जो इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती आई है इसका फॉर्म आपको कैसे भरना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैंने वैकेंसी के बारे में एक डिटेल बता दी है, इसका एक वीडियो है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। अब मैं आपको बताऊँगा आपको फॉर्म कैसे भरना होगा एकदम बारीकी से। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, आपको यहाँ डालना है अप्लीकेशन, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब इस जगह पर आपको अपनी पोस्ट डालनी है, जो भी जिस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कुक हो गया, कैडेट अर्दली हो गया, ड्राइवर हो गया, जो भी पोस्ट है आप वहाँ अपनी पोस्ट डाल देना। ठीक है इस जगह पे। और अब मैं बात करूँ न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर के नंबर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस नंबर को आप याद कर लेना, 4425/recruitment/ और सिविलियन, ये सिविलियन का है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो नंबर है सेम ऐसा का ऐसा उस जगह पे डालना है जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था फॉर्म के अंदर। और आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आपकी एक गलती के कारण ही आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता। ठीक है दोस्तों, अब आपको इस जगह के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट नंबर डालने हैं, और न्यूज़पेपर के अंदर आपको लिखना है यहाँ पे एम्प्लॉय कैपिटल लेटर में, सभी जो वर्ड्स हैं आपको कैपिटल लेटर में लिखने होंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय। ठीक है दोस्तों, आप लिख लेना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। ठीक है, अब उसके बाद में आपको कोष्टक लगा के आपको 32-33, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी। दोस्तों ये देखना, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द, ये गया का जो भी पूरा नोटिफिकेशन है ये www.employment.gov.in न्यूज़पेपर में है, जिसकी डेट है 19 से लेकर 25 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, 19 से लेकर 25 दिसंबर है, तो ये आपको वहाँ पर डालनी है। और इसके साथ ही आपको इसके अंदर भी वही डिटेल है जो PDF के अंदर है, जो ये नंबर है नीचे वाले 32/33, ये आपको वहीं पर ही डालना है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और 32/33। ठीक है दोस्तों, इस वाले एरिए में। अब इसके नीचे डेट डालनी है आपको 19 से लेकर 25 दिसंबर, 19 से लेकर 25 दिसंबर 2020। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँ आपको नीचे, तो आपको सारे के सारे कैपिटल लेटर में डालने हैं, अपना नाम डाल लेना है, फुल नेम जो कि आपकी 10वीं की अंक तालिका के अंदर है, अपना फादर नेम डालना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। अब एज ऑन लास्ट रिसिप्ट डेट, तो दोस्तों 25 दिसंबर तक का यह न्यूज़पेपर है, तो अब 25 दिसंबर से आपको 45 डेज देखना है, और 45 डेज जितने भी होंगे उस डेट को आपकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, और आप डाल देना यहाँ पे अपना ईयर डाल देना इसमें, इसमें मंथ, और इसमें अपने डेज डाल देना कितने डेज हो गए। अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है यहाँ पर, जनरल, SC ST OBT OBC EWS जो भी है। अब अपनी नेशनलिटी इंडियन, फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी हैं। अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस, पिन कोड, फुल कम्युनिकेशन विद नियर रेलवे स्टेशन, जितना जो भी आपके पास आपका नियर रेलवे स्टेशन है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितना भी है आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, अब आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों डालने, अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, अपने पिन कोड, अपने पुलिस स्टेशन और अपना स्टेट, ये आप आसानी से भर सकते हैं इसको तो नॉर्मली। इसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस भी इसी के अंदर डालना होगा आपको, ये सेम है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब इसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना होगा 11 नंबर पॉइंट के ऊपर। अपने जैसे आपने 10वीं की है तो 10वीं आपको यहाँ डालना है, 10th करके। ठीक है, आपने कौन सी ईयर में पास किए वो ईयर डाल देना। अब नेम ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप किस बोर्ड से हैं, UP, MP, राजस्थान, बिहार, जहाँ भी है, झारखंड, जम्मू कश्मीर, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, मार्क्स ऑफ ऑब्टेंड, आपको कितने परसेंटेज आए हैं, जैसे 60% है, 50% है, 70% है, जितने भी, आपको डिवीज़न कौन सी है, सेकंड है, फर्स्ट है, जो भी है आपको इस वाले कॉलम में भरना होगा। और आपको मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स का आपका पेपर था, जैसे 600 का पेपर है तो आपको कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ डाल देना। अटेस्टेड कॉपी, तो आपको उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो आप, जैसे 10वीं की लगा रहे हो तो आपको 10वीं की फ़ोटोकॉपी, और 12वीं की लगा रहे हो तो 12वीं की फ़ोटोकॉपी आपको डालनी होगी। और एक्सपीरियंस इफ़ एनी, या आपके पास जो भी एक्सपीरियंस, जैसे आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है
हैवी लाइसेंस का वो डालना है, या फिर अन्य कोई टेक्निकल पोस्ट के लिए करना चाहते हैं जैसे फोटो स्टेट है, मशीन है, इन पोस्ट के लिए, तो आपको उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट इफ़ गिव डिटेल्स पोस्ट, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट पहले रहे हैं तो आपको अपनी डिटेल यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। नेम ऑफ, 14 नंबर पॉइंट की बात करूँ तो नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज विद रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, जैसे एक्स सर्विस मैन की वैकेंसी भी है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको इसके साथ दो अपने फ़ोटो लेने हैं, अपने स्वयं के फ़ोटो, ठीक है, और उनको अटेस्टेड कर देना। जैसे ये मान लो ये फ़ोटो है आपकी, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर अटेस्टेड कर देना, ठीक है। और जो ये कॉलम दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको लेफ़्ट थंब, अपना लेफ़्ट थंब ऑफ मेल कैंडिडेट, राइट थंब इम्प्रेशन इन केस ऑफ फीमेल, तो जो भी मेल कैंडिडेट है उसका लेफ़्ट थंब यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और अपने सिग्नेचर कर देने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तो नाम डाल देना है नीचे जो नेम के आगे, और ऊपर वाले पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। अब इस कॉलम के अंदर आपको क्या भरना होगा, जैसे मान लो आपने 10वीं 12वीं और जैसे ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने कौन कितने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, 3, 4, 5 जितने भी है, तो आपको उनकी संख्या डाल देनी है। जैसे 5 है 4 है जितनी भी है आपको यहाँ संख्या डाल देनी है। और आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेना है, और आपको फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना, ठीक है। एक दोस्त पूछ रहा था कि वो फ़ोटो किसी अधिकारी से अटेस्टेड होगा, नहीं दोस्त, इसके अंदर कोई अधिकारी अटेस्टेड की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपकानी है, और आपको अपने स्वयं के अटेस्टेड करने हैं, जैसे आधा तो बाहर और आधा फ़ोटो के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका फॉर्म एकदम सही तरीके से भरा जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ जो ओबीसी कैंडिडेट है, जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए एक अलग से फॉर्म है नीचे, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी एक अलग से फॉर्म है, ठीक है। तो ये ओबीसी वाले निकलवा लेना प्रिंट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप गवर्नमेंट जॉब का भंडार के नाम से है, ठीक है दोस्तों। मैंने कल तो इसलिए नहीं डाला कि मैंने सोचा फॉर्म फिलअप करवाने के बाद ही इसको डाल देंगे। ओबीसी का हो गया, सेम कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों। ओबीसी का अपना अपना नाम डालना है, फादर नेम डालना है, अपना डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस बस नॉर्मल है एकदम, अपने साइन कर देने, डेट और प्लेस डाल देने हैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर, प्लेस अपना और डेट। इसके बाद बात करूँ ईडब्ल्यूएस वाले, जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं उनके लिए है ये, तो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जैसे राजस्थान हरियाणा, नेम ऑफ एड्रेस अथॉरिटी इशू सर्टिफिकेट, जैसे जिस स्टेट से हैं आप वहीं स्टेट आपको डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है यहाँ पे, और अपनी डेट डाल देनी है, वैलिड फॉर, जैसे वैलिड फॉर 2020-21 तक का आपका होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको नॉर्मली है अपना नाम डाल देना है इस पर, और परमानेंट एड्रेस, विलेज, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, अपने पिन कोड हो गए, ऑफिस पिन कोड, ये सब डालकर, श्रीमती बिलोंग टू द कास्ट, अपनी जो भी कास्ट है, जैसे ईडब्ल्यूएस के अंदर राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है, ऐसी कास्ट है, जनरल कैटेगरी की जो भी कास्ट आती है वो अपनी कास्ट डाल देना, और अपने सिग्नेचर, सील ऑफिस, ठीक है, विद सील ऑफिस, ये उसके लिए जिसने मनवाया नहीं है, ठीक है, ये उस आपको डालकर अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगा देनी। और जैसे मान लो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है, तो आप वो भी इसके साथ अटैच कर देना। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने, मैंने हिंदी का पीडीएफ ले लिया इसका, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने और किस पते के ऊपर आपको भेजना हो। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं आपको, अपने 10वीं का प्रमाण पत्र, ठीक है, जिस अपना शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो जैसा भी सर्टिफिकेट है, जन्म तिथि, जैसे 10वीं के प्रमाण पत्र में आपकी जन्म तिथि होती है, 10वीं का प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद अपना जाति प्रमाण पत्र, जनरल वालों को छोड़कर सभी का अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना। इसके साथ अपना स्वयं का पता लिखा लिफाफा, जिसके ऊपर आपको 25 रुपये की डाक टिकट लगानी है, एक सेल्फ इन्वेलप लेना आपको, ठीक है। इसके बाद स्वयं का पता हो गया, दो अतिरिक्त पासपोर्ट आकार की फ़ोटोग्राफ, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब शारीरिक मापदंड हेतु डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, दोस्तों आपको यह ज़रूर लगाना है, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसके बाद मैं बात करूं जो भी दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक है या ईडब्ल्यूएस हैं, उनको ईडब्ल्यूएस होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा, ठीक है। इसके साथ आवेदन वाले लिफाफे आपको बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में आपको फॉर्म भरना है, ये मैंने बता दिया आपको, आवेदन के सभी कॉलम बड़े होने चाहिए। इसके अंदर दे रहा है साक्षात, अब जैसे भी आप परीक्षा, एडमिट कार्ड आपका फिजिकल करने जो भी जाओगे आप, तो आपको इसके लिए कोई TDE नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हो गई, अब मैं वैकेंसी की आपको पहले बता ही चुका हूँ, तो आपको किस पते के ऊपर अपना एडमिट कार्ड फॉर्म फिलअप करके भेजना है, ठीक है। तो इसके अंदर कमांडेंट ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया,
गया जो कि बिहार में, ये इसका पूरा एड्रेस आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। इसके पिन कोड है 82305 और इसकी लास्ट डेट है 1 फरवरी 2021 तक, या उससे पहले आपको यह फॉर्म फिलअप करके भेज देना है, ठीक है। और इसकी वैकेंसी, इसकी डिटेल मैंने पहले बताई दी है, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है दोस्तों। यदि फिर भी आपकी कोई कमी रह गई है कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहाँ से भी आपका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। एडवर्टाइज नंबर मैंने आपको पहले बताई दिए हैं, 4258 रिक्रूटमेंट, जैसे शॉर्ट में रिक्रूटमेंट है सिविलियन, ठीक है। रोज़गार समाचार 19 दिसंबर का है, ठीक। तो आशा करूँगा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको फॉर्म भरने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।